आज के इस वीडियो में हम देखने वाले हैं सीजी व्यापम के द्वारा लिया गया सब इंजीनियर एग्जामिनेशंस जो हुआ था सितंबर 2018 में, उस क्वेश्चन पेपर के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के सॉल्यूशंस का। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। माय नेम इज अंशुल, स्वागत है आपका आरोहण में। इस वीडियो को देखने के बाद आपको अगर हमारे द्वारा दी गई जानकारी अच्छी लगती है तो प्लीज़ लाइक करें। आगे और भी ऐसी इन्फॉर्मेशन पाते रहने के लिए हमें सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकॉन को क्लिक करना ना भूलें। इसी क्वेश्चन पेपर के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस का सॉल्यूशन हमने प्रीवियस वीडियो में प्रोवाइड किया हुआ है, जिसका लिंक यहाँ आई बटन में फ्लैश हो रहा है। इस लिंक में क्लिक करके डायरेक्टली आप उस वीडियो की तरफ जा सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2, द EMF induced in a coil reading in a uniform magnetic field is maximum when the flux linkage by the coil is option A maximum, option B minimum, option C zero, option D cannot be said। अब यहां पर देखिए हमको क्वेश्चन बेसिकली दिया क्या है। ठीक है, जैसे मैं हमेशा, मेरा एक बिलीफ है कि जब भी आप न्यूमेरिकल प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए जा रहे हैं या कोई भी प्रॉब्लम आप सॉल्व करने के लिए जा रहे हैं तो पहले प्रॉब्लम को आप ध्यान से पढ़ा करिए। पहले हमें ये समझना होगा कि प्रॉब्लम एक्चुअल में है क्या, तब हमें सॉल्यूशन की तरफ हम जा पाएंगे और बहुत फास्ट वे में हम क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे। तो हमारा जो मैक्सिमम फोकस होता है वो क्वेश्चन की तरफ होना चाहिए। आई बिलीव, इट इज़ माई बिलीव दैट कि इफ यदि हम क्वेश्चन को अच्छे से समझ जाते हैं तो 50% क्वेश्चन हमारा वहीं पर ही सॉल्व हो जाता है। अब देखिए यहां पर, यहां बोल रहा है द EMF induced in a coil reading in a uniform magnetic field is maximum when the flux linkage by the coil is। तो यहां कुछ फैक्टर्स हमको ध्यान देना पड़ेगा। यहां बोल रहा है EMF induced in a coil rotating in a uniform मैग्नेटिक फील्ड। ध्यान रखिए क्या बोल रहा है, यूनिफॉर्म मतलब मैग्नेटिक फील्ड में वेरिएशन नहीं हो रहा है, एक यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है। इज मैक्सिमम व्हेन द फ्लक्स लिंकेज बाय द कॉइल इज, व्हेन द फ्लक्स लिंकेज बाय द कॉइल इज। तो इस क्वेश्चन में बेसिकली बोल रहा है कि हमको, इस क्वेश्चन में बोल रहा है हमको निकालना है अमाउंट ऑफ द फ्लक्स लिंकेज। मैं डिनोट कर रहा हूँ फ्लक्स लिंकेज को यहाँ पर एक सिम्बॉल साई से। अब देखिए यहाँ पर बोल रहा है, बेसिकली हमें क्वेश्चन में बोल रहा है हमें निकालना है फ्लक्स लिंकेज की किस वैल्यू के लिए, फ्लक्स लिंकेज की किस वैल्यू के लिए EMF जो होगा वो मैक्सिमम इंड्यूस्ड होगा उस कॉइल में जो रोटेट कर रहा है एक यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में। मैं फिर से रिपीट कर देता हूं, इस क्वेश्चन में बेसिकली ये बोल रहा है कि हमको निकालना है यहां पर कि फ्लक्स लिंकेज की किस वैल्यू के लिए EMF जो इंड्यूस्ड होगा वो मैक्सिमम होगा उस कॉइल में जो रोटेट कर रहा है यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में। अब देखिए, टू सॉल्व दिस पर्टिकुलर प्रॉब्लम फ्लक्स लिंकेज इज डायरेक्टली हैव ए रिलेशन विद द कॉस ऑफ थीटा। इसको आप ध्यान में रखिए, दैट इज रिलेशन वी हैव द कॉस ऑफ थीटा एंड थीटा इज व्हाट, इट इज द अलाइनमेंट ऑफ द कॉइल रोटेटिंग विद द मैग्नेटिक फील्ड हियर। सो I'll give you some example here. Let's see, if we have two coils, we have in such a manner and this field is uniform and we have an alignment with this, so we can say the theta will be equal to zero. So in this condition we can say the flux linkages will be maximum. The flux linkage will be what? This is the maximum. In a second case, if I'll take, we have a arrangement of the coils in such a manner that we have a quadrature of the alignment of the coil and also with respect to the magnetic field. So here we'll get theta equal to 90 degree, you can say. So flux linkage will be minimum. So flux linkage is what? This is the minimum is here. अब हमको यहाँ पर यह देखना है कि हमें पूछ रहा है EMF induced maximum कब मिलेगा। तो यहाँ पर EMF जो होगा, EMF we can relate with this flux linkage, directly we can say
डी साई बाई डी टी, मतलब ये जो ईएमएफ रहेगा ये इसका डिफरेंशियल पार्ट है किसका, फ्लक्स लिंकेज का। मतलब फ्लक्स लिंकेज की वैल्यू यदि कम होगी तो ईएमएफ ज़्यादा प्रोड्यूस होगा, और फ्लक्स लिंकेज की वैल्यू यदि ज़्यादा है तो ईएमएफ कम प्रोड्यूस होगा। इस क्वेश्चन में हमको बोल रहा है कि हमें क्या चाहिए, हमें जो इंड्यूस्ड ईएमएफ है वो मैक्सिमम होना चाहिए। तो इंड्यूस्ड ईएमएफ मैक्सिमम तब होगा जब फ्लक्स लिंकेज क्या होगा, मिनिमम होगा। फ्लक्स लिंकेज क्या होगा, मिनिमम होगा। सो आंसर फॉर दिस पर्टिकुलर प्रॉब्लम इज ऑप्शन बी। तो जब फ्लक्स लिंकेज मिनिमम होगा उस कंडीशन पर ईएमएफ जो इंड्यूस्ड होगा वो मैक्सिमम होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4, ए 500 टन सोलेनाइड डेवलप्स एन एवरेज इंड्यूस्ड वोल्टेज ऑफ 60 वोल्ट ओवर व्हाट टाइम इंटरवल मस्ट ए फ्लक्स चेंज ऑफ 0.06 वेबर ऑकर टू प्रोड्यूस सच ए वोल्टेज। ऑप्शन ए 0.01 सेकेंड, ऑप्शन बी 0.1 सेकेंड, ऑप्शन सी 0.5 सेकेंड, ऑप्शन डी 5 सेकेंड। वी हैव गिवन ए 500 टन्स सोलेनाइड डेवलप्स एन एवरेज इंड्यूस्ड वोल्टेज ऑफ 60 वोल्ट ओवर व्हाट टाइम इंटरवल मस्ट फ्लक्स चेंज ऑफ 0.06 वेबर ऑकर्स टू प्रोड्यूस सच ए वोल्टेज। आइए पहले समझते हैं कि क्वेश्चन क्या है। यहाँ पर बोल रहा है ए 500 टन सोलेनाइड, नंबर ऑफ टर्न्स कितना बोल रहा है यहाँ पर, नंबर ऑफ टर्न्स हमको बोल रहा है, ये बोल रहा है 500 टर्न्स। सोलेनाइड डेवलप्स एन एवरेज इंड्यूस्ड वोल्टेज ऑफ, कितना डेवलप कर रहा है सोलेनाइड वोल्टेज हमारा, इंड्यूस्ड वोल्टेज कितना कर रहा है 60 वोल्ट, मतलब ये इंड्यूस्ड वोल्टेज कितना हो गया 60 वोल्ट। ओवर व्हाट टाइम इंटरवल मस्ट ए फ्लक्स चेंज ऑफ 0.06 वेबर, एट व्हाट टाइम इंटरवल, ये हमारा क्वेश्चन है। एट व्हाट टाइम इंटरवल मस्ट ए फ्लक्स चेंज ऑफ 0.06 वेबर, मतलब फ्लक्स चेंज के बारे में बोल रहा है, मतलब ये क्या हो गया, चेंज ऑफ फ्लक्स कितना हो गया 0.06 वेबर, ऑकर टू प्रोड्यूस सच ए वोल्टेज। तो पहले ये समझना पड़ेगा कि ये क्वेश्चन बेसिकली क्या है और हमें करना है क्या है। तो बेसिकली एक क्वेश्चन जो है, यहाँ पर एक सोलेनाइड है, वो सोलेनाइड में हमारा रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स हो रहा है जिसकी वजह से क्या हो रहा है, ईएमएफ इंड्यूस्ड हो रहा है। तो ये बोल रहा है कि हमें यहाँ पर कितना जो टाइम है, व्हाट विल बी द टाइम इंटरवल जिसके लिए फ्लक्स चेंज कितना हो रहा है 0.06 वेबर चेंज हो रहा है, जो प्रोड्यूस कर रहा है 60 वोल्ट इंड्यूस्ड ईएमएफ एक 500 टन वाले सोलेनाइड्स में। डायरेक्टली कहने का मतलब ये इक्वेशन क्या लिखेंगे हम यहाँ पर, विल राइट द इंड्यूस्ड ईएमएफ इक्वेशन ई एन डी फाइव बाय डी टी। ये कौन सा लॉ है फ्राडे का, दिस इज द कॉल फ्राडेस सेकेंड लॉ, दिस इज कॉल दी फ्राडे सेकेंड लॉ। कुछ नहीं करना है, इस प्रॉब्लम इज वेरी सिंपल। नाउ पुट द वैल्यू हियर, पुट द इंड्यूस्ड ईएमएफ इज हाउ मच, दिस इज 60 इक्वल टू हाउ मच द नंबर ऑफ टर्न्स वी हैव गिवन, दिस इज गिवन द 500 मल्टीप्लाई बाय रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स वी हैव गिवन 0.06, सो विल पुट 0.06 हियर, और हमें निकालना है व्हाट टाइम इंटरवल, तो वी नीड टू फाइंड dt is here, we need to find dt is here, just we need to solve this problem, we'll get the answer. dt will equal to 500 into 0.06 upon 60, इसको हम और resolve कर लेते हैं, 500 into 6 upon, this become the 100 multiplied by 60, this will be cancel out, this 6 cancel out, so we'll get 0.5 second. इसका यूनिट क्या आएगा, टाइम, इसलिए क्या आएगा 0.5 सेकेंड, सो ऑप्शन सी इज दी आंसर। ये बहुत ही सिंपल प्रॉब्लम था, कुछ नहीं था यहाँ पर, यहाँ पे सिर्फ हमको मालूम होना चाहिए कि इंड्यूस्ड ईएमएफ का इक्वेशन क्या, डायरेक्टली न्यूमेरिकल आप वैल्यूज पुट कर दीजिए, यू विल गेट द अननोन पैरामीटर। सो आंसर फॉर दिस पर्टिकुलर प्रॉब्लम इज दी ऑप्शन सी, 0.5 सेकेंड ऑफ इंटरवल ऑफ टाइम के लिए रेट ऑफ चेंज ऑफ जो फ्लक्स हो रहा है वो 0.6 हो रहा है, जिसके लिए हमें वोल्टेज कितना मिल रहा है, वोल्टेज हमें मिल रहा है 60 वोल्ट, वोल्टेज मतलब इंड्यूस्ड ईएमएफ जब वो मिल रहा है वो कितना मिल रहा है 60 वोल्ट एक 500 टन वाले सोलेनाइड में। सो द आंसर फॉर दिस पर्टिकुलर प्रॉब्लम इज द ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6, व्हाइल मेजरिंग पावर इन थ्री फेज बैलेंस सर्किट बाय टू वाट मीटर मेथड द रीडिंग्स ऑफ द टू वाट मीटर्स आर इक्वल एंड अपोजिट व्हेन। ऑप्शन ए
पावर फैक्टर इज यूनिटी, ऑप्शन बी पावर फैक्टर इज जीरो, ऑप्शन सी लोड इज प्योर इंडक्टिव एंड ऑप्शन डी बोथ बी एंड सी। सो एज पर इन दिस क्वेश्चन हम देखें तो बेसिकली हमें पहले ये फाइंड आउट करना पड़ेगा कि ये क्वेश्चन जो है ये किस टॉपिक का। यहाँ पर बोल रहा है व्हाइल मेजरिंग पावर इन ए थ्री फेज बैलेंस सर्किट बाय टू वॉट मीटर मेथड, बाय टू वॉट मीटर मेथड रीडिंग्स ऑफ द टू वॉट मीटर आर इक्वल एंड अपोजिट व्हेन। ठीक है, बेसिकली जो प्रॉब्लम है ये है थ्री फेज एसी सर्किट का, जहां पर हम पावर मेजरमेंट कर रहे हैं दो वॉट मीटर के हेल्प से एक थ्री फेज बैलेंस सर्किट का। तो ये बोल रहा है कि जो दो वॉट मीटर हमने लगाया हुआ है उस दो वॉट मीटर की जो रीडिंग है वो इक्वल और अपोजिट पावर फैक्टर के किस वैल्यू के लिए होगी। ठीक है, तो फर्स्टली आई टेल यू व्हाट इज द इक्वेशन ऑफ दिस टू वॉट मीटर। तो जो वॉट मीटर वन होगा उसको हम डिनोट कर सकते हैं VL IL cos ऑफ 30 माइनस 5 एंड W2 मतलब वॉट मीटर टू वी कैन डिफाइन VL IL cos ऑफ 30 प्लस 5। आप पूछ रहे होंगे, आपके डाउट आपके माइंड में आ रहा होगा कि ये VL IL क्या है। VL इज कॉल्ड द लाइन वोल्टेज, IL इज कॉल्ड द लाइन करेंट एंड दिस cos इज द कोसाइन एंगल बिटवीन द लाइन वोल्टेज एंड द लाइन करेंट व्हेन वी ड्रॉ द फेजर डायग्राम ऑफ दिस। ये बेसिकली एक डेरिवेटिव पार्ट से हम ये इक्वेशन लिखते हैं। जब हम इसका एक डेरिवेटिव पार्ट देखते हैं तो वहां पर हमें W1 और W2 का ये इक्वेशन हमको फेजर डायग्राम से मिलता है। यहाँ डायरेक्टली मैंने इसको लिख दिया है क्योंकि यहाँ पर फेजर डायग्राम की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। अब देखिए यहाँ पर आगे, अब हमारे पास वॉट मीटर वन और वॉट मीटर टू का इक्वेशन अवेलेबल है। डायरेक्टली वी कैन सॉल्व दिस प्रॉब्लम। यदि हम फर्स्ट ऑप्शन में देखें तो यहाँ पर बोल रहा है पावर फैक्टर इज यूनिटी। तो पावर फैक्टर इज यूनिटी ऑप्शन ए की बात करें तो cos 5 मतलब कितना हो जाएगा 1, मतलब 5 की वैल्यू क्या हो जाएगी, यहाँ पास 5 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, cos 1 हमें कब मिलेगा, cos 1 हमें 0 मिलेगा 0 पे। ठीक है, तो 5 की वैल्यू क्या हो जाएगी 0। तो यदि हम ये 0 की वैल्यू यहाँ पर पुट करेंगे, 0 की वैल्यू हम यहाँ पर पुट करेंगे तो हमें यहाँ पर क्या दिख रहा है, W1 कितना हो जाएगा, देखिए W1 कितना हो जाएगा cos 30 माइनस 5 इन cos 30 5 मतलब W1 इक्वल टू क्या हो जाएगा, यहाँ पर W2 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, W1 इक्वल टू क्या हो जाएगा, W2 हो जाएगा। यदि हम ऑप्शन बी के बारे में बात करें तो बोल रहा है पावर फैक्टर इज जीरो, तो cos 5 कितना हो गया यहाँ पास, दिस बिकम जीरो, मतलब 5 की वैल्यू कितनी हो गई यहाँ पास 90। तो cos यदि 90, ये 5 की वैल्यू 90 हो गई तो W1 यहाँ पुट करेंगे ये कितना हो जाएगा, यदि हम पुट करेंगे यहाँ पर दिस बिकम द cos 30 माइनस 90, cos 30 माइनस 90 मीन्स cos ऑफ माइनस 60 मतलब cos ऑफ प्लस 60 दिस बिकम, सो वील गेट समथिंग अबाउट VL IL एंड cos ऑफ 60 एंड दैट्स गिव द 1/2, सो दिस बिकम द 0.5 VL IL। यदि हम बात करें W2 की तो यहाँ पर देखिए VL IL cos ऑफ 30 प्लस 5, तो cos 30 प्लस 5 यदि हम बोलें तो ये कितना हो जाएगा cos ऑफ 120, बिकम हाउ मच cos ऑफ 120 और वी कैन से दिस बिकम द माइनस ऑफ cos ऑफ माइनस ऑफ साइन ऑफ 30 इज देयर, तो दिस बिकम द माइनस ऑफ 0.5 VL IL इज देयर। सो हियर इन दिस कंडीशन आई विल गेट हियर W1 and W2 have equal amount of reading but opposite in sign. So here I can say, here I can write W1 equal to minus of W2. Now I'll take for the third case, load is pure inductive. Pure inductive means what about the power factor, यदि हम बात करें या हम angle के बारे में बात करें तो what this angle, now this angle is become 90. cos of 90, angle has become 90 here because load is pure inductive. Okay, so phi is how much, phi is the 90, so we put the phi value here in W1 and W2. So on that condition, talking about the first wattmeter, the cos 30 minus 90 again become cos of minus 60, cos of minus 60 become cos of 60, so I can write this is become the 0.5 VL IL.
यदि हम बात करें W2 का, दिस बिकम कॉस 30 + 90 मींस दिस बिकम दी माइनस साइन 30 एंड दिस, सो दिस वी कैन राइट दिस बिकम दी माइनस 0.5 VLIS देयर. सो आल्सो इन दिस केस वी कैन से W1 विल बी इक्वल टू माइनस ऑफ W2. यहाँ हम देख रहे हैं कि ऑप्शन बी और ऑप्शन सी की यदि हम बात करें तो यहाँ पर दोनों ही वाटमीटर की जो रीडिंग है वो सेम होगी, मतलब इक्वल होगी और उनका अपोजिट होगी, क्योंकि यहाँ पर साइन क्या है, निगेटिव. तो जो हमारा ऑप्शन होगा इस पर्टिकुलर प्रॉब्लम के लिए, तो जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन डी. अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज लाइक करें, और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज कंसिडर सब्सक्राइबिंग. Thank you for watching. Hope to see you in our next video. Till then, take care, guys.